स्टूडेंट्स, आर टुडेज टॉपिक इज दिस एंड दैट। बेटा आज हम दिस और दैट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट द मीन ऑफ दिस, व्हाट द मीन ऑफ दैट, वेयर इज यूजिंग दिस, वेयर इज यूजिंग दैट। आज हम अपने पूरे वीडियो में दिस और दैट के बारे में जानेंगे। दिस and that are using in different way, but they indicate a single thing. This and that, where we are using this and that, let's this and that. Firstly, we should know the meaning of this and that. पहले हमें this और that का मतलब पता होना चाहिए। आइए जानते हैं। This means यह। हिंदी में this का मतलब यह होता है। जैसे हम बोलते हैं यह क्या है, यह मेरा है, यह तुम्हारा नहीं है, है ना? तो यह का मतलब this, यह का मतलब दिस, और दिस मीन्स यह। दैट, दैट मीन्स वह। जैसे हम कह देते हैं वह मेरा पेन है, वह तुम्हारी किताब है, वह उसका भाई है, वह मेरा दोस्त है। तो वह मतलब दैट। जो दूर हो वो दैट से इंडिकेट करते हैं, और जो पास में हो उसे दिस से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और दूर वाली चीज़ों के लिए दैट। और दैट इज अ वर्ड विच इज यूज फॉर अ सिंगल पर्सन, ऑब्जेक्ट, थिंग एंड एनी एनिमल। दिस और दैट एक ऐसा वर्ड है, ऐसा शब्द है जिसके द्वारा हम किसी सिंगल मतलब अकेले या एक पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में या किसी चीज़ के बारे में बताते। वी यूज दिस एंड दीज फॉर पीपल, एनिमल और थिंग नियर अस। वी यूज दिस एंड दीज फॉर पीपल, एनिमल्स और थिंग्स नियर अस। बेटा दिस इज अ सिंगुलर वर्ड एंड दीज इज अ प्लूरल वर्ड। दिस एक चीज के लिए आता है, दीज बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है। दिस एंड दीज हमारे पास की चीज़ों को बताने के लिए यूज होता है। Near us हमारे पास। Similarly, we use that and those for people, animals or things not near us. Same, हम that और those को use करते हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत सारे animals के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए जो हमारे पास में नहीं है। Those का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो दूर हैं। दीज का मतलब बहुत सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं। हम इस वीडियो में सिर्फ दैट और दिस पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दीज और दोज के बारे में बताएंगे। सो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ दिस एंड दैट। दिस इज एन एप्पल। आप सब जानते हैं दिस इज एन एप्पल। लुक एट द हैंड एंड लुक एट द एप्पल। द डिस्टेंस बिटवीन द हैंड एंड एप्पल इज वेरी लेस। दिस और दैट में यही फर्क है बेटा। दिस के लिए हम उन चीज़ों को इंडिकेट करते हैं जो हमारे बिल्कुल पास होती है, जैसे हाथ के पास में एप्पल है। दैट इज अ हाउस। वह एक घर है। लुक एट द पिक्चर बेटा।
hand and house. You can see the distance between the hand and house is very much. हमने अभी this और that का example देखा. This के example में hand apple के बिल्कुल पास में था. That के example में hand house से बहुत दूर है. जब हम दूर की चीज़ों को बताते हैं तब हम that का यूज़ करते हैं. You can see distance between the hand and the house is very much. Let's see some examples of this and that. First example is, this is a cake. Look at the hand. Cake is just near to the hand. So, this is an example of this. This is a bus. Look at the distance between the hand and bus. It is so close. It's not very much far. This is a computer. Look at the distance between the hand and computer. It's very less. This is an owl. Look at the distance between the hand and owl. This is an aeroplane. This is a house. That indicate the things which are not near us. That ऐसी चीज़ों को indicate करता है जो हमारे पास नहीं होता. Look at the picture. It is, here is a gift and that indicates it. It is far. So we are using that. Let's other examples of that. That is a balloon. Look at the picture. Balloon is in the sky. है ना, balloon ऊपर की तरफ जा रहा है. तो हमने that use किया है. Look at the arrow. It's very long. Means it has good distance from that. That is a moon. Moon देखा है सबने. हमारे यहाँ से मून तो बहुत दूर है. जब वो बहुत दूर है तो हम उसको इंडिकेट करते हैं और कहते हैं, वह देखो चांद. दैट इज मून और दैट इज अ मून. सन भी बहुत दूर है. लुक एट द पिक्चर. आई एम इंडिकेटिंग इट बाय अ लॉन्ग एरो. है ना, दैट इज अ सन. दैट इज अ फिश. आप देखें कि हमने फिश को एकदम बॉटम में लिया है और हमारा सेंटेंस और फिश के बीच में एक बड़ा सा एरो है. एरो इसकी डिस्टेंस को दिखा रहा है. दैट इज अ फिश. हमसे दूर है इसलिए हम उसको दैट से इंडिकेट कर रहे हैं. दैट इज अ ट्री. अगर हम एक प्लेस पे खड़े हैं और बहुत दूर से हम किसी पेड़ को देखते हैं तो पेड़ को कहते हैं ट्री. है ना, तो हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं अ ट्री. और वो दूर है. एरो से हमें इसकी डिस्टेंस पता चल रही है. एरो इज़ वेरी लॉन्ग. सो हम इसको दैट के थ्रू इंडिकेट